पाकिस्तानी रिया रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है आप बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ज्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है और जेएस फिल्म का वीडियो है, जो काफी लोग बोल रहे थे इनका और वीडियो लाओ, तो हम ले आए हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है फर्स्ट रोड ट्रिप ऑन निंजा इन इंडिया H2। मतलब निंजा H2 जो कि बाइक देखता है बंदा तो कहता है काश मेरे पास भी हो, तो वो वाला बाइक है। और उसकी मतलब मेरे ख्याल में इन्होंने फर्स्ट रोड ट्रिप की है, तो देखते हैं। मतलब काफी ज्यादा इस वीडियो की हमें रिक्वेस्ट आ रही थी, तो जल्दी से ये वीडियो देखते हैं और पता चले कैसा भाई निंजा कैसा और रोड ट्रिप कैसा चलता है। निंजा ऐसे तो देखा है लेकिन मतलब देखते हैं यार, मजा आता है। तो हमारे पास अल्फाज नहीं है बोलने के लिए। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। वाह, रोड देखो भाई कितनी क्लियर रोड है ना, और स्पीड से देखो रह गए भाई पीछे वो गाड़ी भाई, इस बाइक का लेवल बहुत है। अभी इनके पास है भूसा है ना, निंजा भी है, निंजा भी है, दोनों बाइक है। गाइस कमेंट सेक्शन में बताना कितने बाइक है इनके पास। फाइनली वो दिन आ गया भाई, रात को मैं तो नहीं सोया, मैं डेढ़ बजे खा रहा था, वैसे तीन बजे तक तो मैं जाग रहा था, फोन यूज कर रहा था। एनीवेज व्हाट्स अप एवरीबॉडी, दिस इज जेसन, दैट्स खन्ना जी की हालचाल। भाई लोग अभी सुबह के बज रहे हैं 7 और हम लोग रेडी हैं, रोड ट्रिप रेडी हैं, क्योंकि आज हमारा पहला रोड ट्रिप है H2 के ऊपर और दूसरा कोविड के बाद, मतलब मार्च के बाद में महीने हो गए। आज पहली बार घर से निकल रहे हैं, सोच रहे हैं 200-300-400-500 किलोमीटर करके आए, जब से हमने रोड ट्रिप चालू करे पहली बार इतना लंबा गैप दिया होगा। यस ट्रूली यार, मतलब ये पहला ऐसा साल है 2020 जब मैं मतलब इतना टाइम घर पे रहा हूँ और अपना बस हो गई जनवरी, बस हो गई भाई। मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड था एंड आई वाज क्रेविंग फॉर दिस डैम रोड ट्रिप। गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी थोड़ा यार इनके बोलने का स्टाइल मुझे काफी पसंद है यार, जैकी बाजी गालियां निकालेंगे हर बार की तरह ना, हम लेट हो जाते हैं। वैसे ना ये जा रहे ड्यूक पे, बट पहले हमने सोचा था ड्यूक जाएगी इनिशियल टाइम पे, फिर हमने बूसा का डिसाइड किया, बूसा पे सामान ही नहीं आया हमारा। अच्छा, दोनों भाई सारे इलेक्ट्रॉनिक्स और दोनों बंदों के कपड़े, तो हार के हमें लेके जानी पड़ रही है अभी ड्यूक विद H2। ड्यूक है मतलब बूसा नहीं लेकर जा सके, ड्यूक लेकर जा। वाहे गुरु जी की फतेह। मतलब बहुत गर्मी है यार, वी आर स्वेटिंग लाइक हेल, बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी है, 7:30 बजे भी सुबह के। इसकी माइलेज कितनी है, मतलब बच्चा संडे को बाइक चलाते हैं, इतना खाली होता ना, और अभी देखो ट्रैफिक ही ट्रैफिक है। मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये इंडियन, देखो भाई कितनी क्रिस्टल क्लियर, मतलब मैं कहता हूँ पोस्टर देख के ना खन्ना जी का, और पीछे बैक बना हुआ ना बड़ी अच्छी अच्छी मेमोरी सारी रिवाइव हो गई है। कितने सारे रोड ट्रिप किए यार हमने, कितना मजा किया। ओ माय गॉड गाइस, हैव अ लुक, कितना ही बड़ा प्लेन है भाई, पूरा का पूरा व्हाइट था। व्हाट्स अप यू ब्यूटीफुल पीपल, ओ कांच पड़ा यहाँ पे थोड़ा, संभल के जेसन जोश में होश नहीं खोना है भाई, पंचर नहीं करवाने हमें अपने रोस्तोत्री। क्या है बाजी के, कितना इंतजार कराया, पक्की बात है सिर्फ 10 मिनट ना, इतना तो चलता है। लेट्स गो गाइस, तो ऑलमोस्ट 8:10 है, लेट्स सी कितनी देर में हम लोग पहुंचते हैं, और रास्ते में कोई ढाबा खुला होगा या नहीं होगा, कॉफी पीने को मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि पाजी की ना मतलब बाइक चलती नहीं है बिना कॉफी, 2-3 शॉट चाहिए। ये कौन सा बाइक है सामने, मतलब जहर जैसी डार्क कॉफी यार, कॉफी कड़वी किलोमीटर चल चुकी है मेरी बाइक सो फार, and Jaipur is I guess 260-270 from here, let's go। 260 किलोमीटर है जयपुर, मतलब यार मोस्टली बाइकर जयपुर क्यों जाते हैं ज्यादा भाई, मेरा भाई ये हमने जब भी वीडियो देखी जयपुर ही जा रहे होते हैं। अपना पहला ट्रिप है ये, तो शुरुआत है, वार्म अप है, वार्म अप है, अभी तो बहुत दूर दूर लेके जाना है, लंबी लंबी राइडों पे, गोवा भी तो जाना है, गोवा भी जाना है, ये कितने खुश है भाई, रुके थे हमारे एक सब्सक्राइबर, हमारे मित्र हमें मिल गए थे, आगरा से आ रहे हैं जयपुर को जा रहे हैं। ऑल राइट, टेक केयर, बाय बाय।
आगरा यूपी में आता है ना? आगरा यूपी में, जयपुर राजस्थान। क्या बात है सब्सक्राइबर्स। ओ भाई बहुत लाउड है, बहुत लाउड है, आराम से चलाएंगे। काफी ट्रैफिक है भाई आज। फिर से ये देखो, इसको चाहिए ओपन हाईवे, बट मजबूरी है कि आज ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है। बाइक को ऊपर ही जगह चाहिए होती है, लेकिन मजबूरी प्राइस तो है इतनी फास्ट। मोटो व्लॉगर इन टाउन, इससे हेलमेट हैवी हो जाता है। खन्ना जी की गर्दन की मसाज करानी पड़ी होती है। सर जी हेल्दी फूड खाइए, हेल्दी फूड, डोसा इडली, डोसा सांभर, अच्छा डोसा सांभर खाइए। अरे यार मजा आ रहा है अब तो, मतलब घर से मतलब कह लो ना बॉर्डर निकल गया, आजादी फील हो रही है, पूरी पूरी आजादी में। कमान से निकल चुकी है अब, तोप कमान से नहीं होता, तीर होता है कमान से, तोप कमान से निकल गया। अरे वाह, चलो भाई यार जल्दी जल्दी खाया यार। इंडियन फूड का कमाल अपना है, कमाल अपना। वैसे जैसे हम लोग रोड ट्रिप प्लान करते हैं, ऐसे ही आपको अपनी लाइफ भी प्लान करनी चाहिए कि आने वाले टाइम में आपको क्या खरीदना है, कहाँ जाना है, क्या लेना है। और इसके लिए ना आपको थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे सही जगह पे करना चाहिए। आया आया आया, तो चलो भाई दोस्त यार बुला रहे हैं, निकलने से पहले लेट मी एडवाइज यू, यू कैन यूज दिस एप्लीकेशन कुएरा, जिसके थ्रू आप डायरेक्टली पैसे लगा सकते हो म्यूचुअल फंड्स में और खरीद सकते हो, और म्यूचुअल फंड के ऊपर लोन भी ले सकते हो, विच इज अ यूनिक फीचर। एंड नॉट ओनली दैट, अप टू 1000 यूएस स्टॉक्स में आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हो, और अगर आप लोग $10 से स्टार्ट करोगे तो कंपनी आपके अकाउंट में $10 और ऐड कर देगी। एंड लेट मी टेल यू, मतलब अमेजिंग एप्लीकेशन है, यूजर इंटरफेस बहुत बढ़िया है, और इसकी जो रोबो एडवाइजरी है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपको गाइड कर देगी कौन से वाले म्यूचुअल फंड में आप लोग अपना पैसा लगा सकते हो। ये देखना, लो लो सर, लो थोड़ी सी आप भी पी लो। तो भाइयों को मैं सही टाइम पे सही जगह इन्वेस्टमेंट के बारे में बता रहा था, तो भाई लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रहा हूं, डाउनलोड करके देखो कुएर एप्लीकेशन, हम लोग तो यूज करते ही हैं, आप करो और फ्यूचर के लिए ना आप भी इसे सोचना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, बच्चों के लिए सोचो गाइस। सो भाई लोग एकदम हम लोग रिफ्रेश हो गए हैं, हेलमेट का वॉर्निंग भी साफ हो गया है, अब सीधा रुकेंगे जाके जयपुर, जयपुर सीधा रुकेंगे, लेट्स गो। अब मजा आएगा, गैस डलवाई जाएगी सेकंड स्टॉप ऑफ द डे, मतलब फ्यूलिंग के लिए। हम लोग घर से करवा के आए थे ना, मैं करवा के आया था, तूने नहीं करवाया था? अच्छा ने नहीं करवाया, कल करवाया था, डलवा ले यार, कल करवाया। ड्यूक स्पीड मार रहा था ना भाई, सो फार मजा आ रहा, शो ऑफ शो ऑफ हैशटैग शो ऑफ, ड्यूक 400 हो गया इसका ना भाई, चालू हो गए थोड़े बहुत पहाड़ में दिख रहे हैं, बट किस्मत उतनी अच्छी नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है, मेरे को लगा था क्लाउडी होगा, बारिश के लिए हम लोग तैयार थे, बट सैडली नो, सामान सारा उस बेचारे को दिया है ड्यूक वाले को, देखने में कितनी प्यारी लग रही है अपनी है। सो भाई हमने डलवाया नॉर्मल पेट्रोल, तो इसका जरा ऑक्टेन रेटिंग हाई करने के लिए डलवाएंगे हम ऑक्टेन बूस्टर, थोड़ा सा सिमसिम, थोड़ा जा पाना, थोड़ा जा पाना, थोड़ा जा मैं बता दूंगा। ओए बस बहुत है, टैंक फुल में 3 ढक्कन डलता है, तो हमने डाल दिए 3-4 ढक्कन एक ही बारी में, चलो अब ज्यादा पावर देगी, मतलब हर गियर पे ऑक्टेन बूस्टर डाला है, क्या बाइक है यार, क्या लग रहे हैं कसम से यार, मुझे बाइक के साथ से रोड से भी प्यार हो रहा है सच में, क्या लग रहा है जब आते हैं ना उधर से, क्या लगते हैं सच में यार, बहुत प्यारे, ये लगता है ड्यूक वाला बेचारा वीडियो के लिए लेकर गए, ये वो दूसरा बाइक है ड्यूक वाला, यार ये ड्यूक नहीं है, ये वो दूसरा है जो भूसा के साथ है, ये ड्यूको में भी ड्यूक था ना। Look at the view guys, मतलब जैसे हम लोग जयपुर के पास जा रहे हैं ना, वैसे वैसे अभी वेदर अच्छा हो रहा है, क्लाउडी हो रहा है, और जयपुर में गर्मी काफी होती है, मजा आ रहा है, रोड ज्यादा खराब नहीं हुआ बारिशों में, वैसा ही मतलब डिसेंट रोड है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, रोड कमाल के सच में, वी आर एंजॉयिंग सो फार। एंड अभी 11 बज गए, लगभग 8 बजे करीब चले थे, तो 3 घंटे ऑलरेडी हो गए, मैं सबसे आगे बाकी मेरे पीछे, ये मन में 3-2-1 3-2-1 काउंट कर रहे हैं, 3-2-1 देखी जाएगी,
देखी जाएगी। वैसे दोस्तों हम लोग टोंक रोड पे और फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं, क्राउन प्लाजा जयपुर, हमारा फेवरेट क्राउन प्लेस। क्यों खन्ना जी? खन्ना जी की नहीं, आपका टाइम और मेहनत वेस्ट हो जाएगी, पेट्रोल भी वेस्ट हो जाएगा। वैसे आपको बता दूं यहाँ पे तो कि इस बार स्विमिंग पूल के मजे नहीं ले पाएंगे, कोविड ने काम खराब कर दिया और जो बफे सिस्टम है वो भी हटा दिया होगा। बट ठीक है, बड़ा कूलिंग स्टे मिलेगा, कंफर्टेबल स्टे मिलेगा। फॉर अ चेंज हमारे को लेजर चाहिए था भाई, प्लेजर विद लेजर। 3 2 1 3 2 1 3 2 1। ये देखो वो गाड़ी वाला फर्स्ट आ गया भाई। गाड़ी वाले ने भी बाइक के साथ कुछ ज्यादा भगा नहीं दिया। हाँ भाई पहुंच गए भाई, होटल आ गई। प्यारा अच्छा बंदा दोस्तों के साथ तो मजा ही कुछ और होता है। हम पहुंच गए थे अपने स्टे में, जैकी पाजी ने वॉशरूम यूज किया और अंदर पूरी कोशिश कर रहे, खुल नहीं रहा, वो घूम रहा है बट खुल नहीं रहा है। क्या करें, कॉल कर दे? पक्की बात है, तो SOS तो है ना आपने? SOS खुल गया। We are staying at an amazing property, man. इस बार हमने लिया है suite. चल रहा है अभी, बढ़ेगा थोड़ा थोड़ा सा गर्मी जो है वो ठंडे में बदलेगा। So we are in a suite, man. इसका टूर आपको देंगे फिलहाल आराम से, अभी तो बैठेंगे, खाएंगे, पियेंगे, मुंह धोएंगे। भाई देखो 250-300 किलोमीटर चला के आए, 4 घंटे की राइड हो गई है, 4 घंटे की, घंटे का ब्रेक भी हो गया था, तो 5 घंटे में लग गए मोटा मोटा यहाँ पहुंचने में। इट वॉज टोटली वर्थ, मैन, मतलब 100% मतलब पैसा वसूल है। और हम यहाँ पे अब 2 दिन एंजॉय करेंगे। वैसे पाजी को थैंक यू, क्योंकि ये वाला जो स्वीट है वो इनकी चॉइस है, तो रेगुलर रूम में मैं सबसे पैसा इन्होंने दिया, सब कुछ लेते हैं यहाँ पे। फोटो शोटो भी खींची जाएगी हमारे इंस्टाग्राम के लिए। और यहाँ की जो बालकनी ना मैन, इसको बालकनी नहीं बोलती, बालकना बोलती है। दिस इज बालकना, काफी प्यारा रूम, पूरा ट्रायंगल शेप में और साइड में देखो व्यू कितना प्यारा है, व्यू है, नीचे भी मस्त व्यू है। और ये देखो, ये हम शाम को सोच रहे हैं पार्टी करने का सीन बनाएंगे। ये देखो लश ग्रीन फॉरेस्ट सामने में, और ये बालकनी वहां तक सही जाता है, फिट तो जगह पे है वैसे। भाई अपने को जो रेजुनेशन चाहिए था ना वो मिलेगा पूरा पूरा। सो लेट्स रिवाइव, और उसके बाद में फुल एनर्जी के साथ हम लोग जाएंगे बैक टू वर्क, फैमिली लाइफ में और अपने कह रहे बाथरूम अपने रोड ट्रिप की करेंगे तैयारी। वैसे अभी आगे बहुत कुछ होने वाला है, इसलिए बोलता हूँ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो। इसी के साथ गाइस ये वीडियो खत्म, ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, बाकी अगले व्लॉग में आएगा जो इधर किए सच में। और यार दूसरी बात, मतलब रोड ट्रिप इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज थी जो कि हमें बहुत ज्यादा पसंद आई, और H2 मतलब इनके पास है जो कि मतलब एक कमाल का बाइक है सीरियस। वैसे गाइस ये बताइए कि इनके पास कौन कौन से और बाइक हैं, या कोई सुपर कार वगैरह भी है तो वो भी कमेंट सेक्शन में आप हमें जरूर बता सकते हैं, क्योंकि काफी सारी इनके पास बाइक्स हैं। एक मेरे ख्याल से हायाबुसा भी है इनके पास, लेकिन यार कमाल के जो भी हैं, यार कमाल की वीडियो बनाते यार, हैं यार, मतलब इनकी यार। बोलने का स्टाइल मुझे काफी ज्यादा पसंद कमाल है, और ऊपर से चिल करने का साथ में, और तब भी ज्यादातर हमें लोग बोल रहे थे जेस फिल्म का वीडियो लाओ, क्योंकि जब ये दोस्तों के साथ जाते हैं ना तो जो मतलब जिस तरीके से ये बोलते हैं फनी लैंग्वेज में मजा आ जाता है, बैड एज लहजे में बोलते हैं, कूल लहजे में बोलते हैं, बिल्कुल सच में। और दूसरा यार बाइक्स का मजा था, रोड का मजा था, हर चीज का एक अलग से मजा मुझे लगा सच में। ऐसे बंदे किसी के साथ हो तो वो कभी भी बोर ना हो, चाहे 1000 किलोमीटर के हो जाए। 400 मतलब 4 घंटों का सफर था जो कि ट्रैफिक की वजह से था, नहीं तो इनके पास निंजा H2 है, निंजा H2 है अगर ये चाहते, क्योंकि वो दूसरों के साथ आते रहे ना, मतलब स्पीड मार के आराम से निकल सकते थे ना, ये बात भाई। बाकी बाइक फास्ट है लेकिन निंजा फिर बहुत ज्यादा, बात ही कुछ और है भाई, निंजा इनसे बहुत ज्यादा फास्ट है, फिर वो अलग चीज हो जाती है। तो गाइस आप बताएं आपको ये व्लॉग कैसा लगा, और भी इनके व्लॉग जाए जाए या नहीं, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत बहुत ज्यादा ख्याल रखना, तो यार बाय।